नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म जो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा एक मारवाड़ी अशोक का एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पर लगभग 20-25 के करीब एनिमल है। और एनिमल के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखा गया है पूरी ग्रीनरी का, पेड़ पौधों का। बहुत ही अच्छा, आपको पसंद आएगा ये फार्म हाउस लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म। काफ़ी इनके जो आपने वीडियोस देखे होंगे, आज हमारे चैनल पे भी आपको इनका जो फार्म हाउस है वो पूरा मैं विजिट करवाऊंगा इनका। और इसके जो ओनर है विशाल जी सुराना, उनकी जो बेटी डॉटर है वही आज हमें जो ये पूरा फार्म हाउस है वो पूरा विजिट करवाएगी। यहाँ के ओनर जो शोभांगी जी मिली हैं, इनके ज़रिए ही मैं आज इनका जो पूरा फार्म हाउस है वो विजिट आपको करवाऊंगा पूरा फार्म। और मैं जो हमारा साथ देगी इस वीडियो के ज़रिए पूरा फार्म इनका जो विजिट करवाने के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, थैंक यू। आपका जो फार्म है जो वो पूरा विजिट करवा लेते हैं, अपने जो व्यूवर्स है उनको अपना जो फार्म बहुत अच्छा जो फार्म बनाया हुआ है आपने वो पूरा दिखा देते हैं एक बार, क्या क्या आपके यहाँ पर सुविधाएँ हैं घोड़ों के लिए वो ही। चलिए, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आपका जो ये जो गेट है बड़ा थोड़ा यूनिक है, और दूसरी बात मैंने आपके फार्म पे देखे हैं कि बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो एंटिक चीज़ें देखने को मिलती है, वही कारण है मेरा आपका पूरा फार्म हाउस दिखाने का जी। तो सभी लोग हैं जो स्वागत में खड़े हैं, ये देखिए गणी कम स्टाफ है हमारा, खम्मा गणी सा। जय माता दी। ये साहब स्टाफ है आपके सभी जी। स्टाफ है, ये सब संभालते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, कहाँ के हो आप? हम सर जोधपुर के हैं, नौ मिल के। जोधपुर, अच्छा। घोड़ों में कितना टाइम हो गया आपको लगभग? सर हमके हो गया है लगभग 2 साल तक। 2 साल तो शुरुआत यहीं से है या पहले भी आप कहाँ थे? शुरुआत हम गुजरात रहे थे। गुजरात कौन से फार्म पे? गुजरात हम रहे थे, अपने नवला ब्रिज किसी का फार्म था, छोटा से था। ओके ओके। और उसके बाद हम यहाँ फार्म पे आ गए। यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ हो गया सर हमको 5-6 महीने। पाँच छः महीने हो गए। कैसे हैं आपके मालिक, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद है भाई, घोड़ों की बढ़िया सेवा। और वैसे तो मैंने देखे हैं घोड़े, बहुत अच्छी सेवा है आपकी, और ग्रूमिंग वगैरह सब बढ़िया है भाई। बस थैंक यू सर। चलो बढ़िया भाई, इसी तरह के जो घोड़ों के काम करते रहे। ये सब भी आपके स्टाफ ही है जी? अच्छा, आप लोग कहाँ से हो जी? हम तो असम गुवाहाटी से। असम से हो, बहुत दूर से आए चाय के बगान छोड़ के। चलो बढ़िया, काका भी काम करता है घोड़ों का? अच्छा, 2 साल हो गए। अच्छा, दाना पानी डालता है। अच्छा अच्छा अच्छा, भूसा वाला काका भी दाना पानी डालता है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। बच्चा सब घोड़ों के साथ मस्ती करता है। अच्छा अच्छा, बच्चा पढ़ाई नहीं करता क्या आपका? करता है, चलो बढ़िया। मैम ये क्या बनाया हुआ है आपने यहाँ पे, ये स्टोरेज है क्या? ये हमारा स्टाफ क्वार्टर है। ओके ओके, जहाँ स्टाफ रहता है मतलब जी, किचन और रूम सब अंदर ही है स्टाफ के। ओके थैंक यू भाई। दोस्तों लिटिल फॉरेस्ट अगर फार्म पे चलते हैं। अच्छा मैम, ये लिटिल फॉरेस्ट का मतलब नाम ऐसा आपने रखा है, इसका क्या कारण है, कुछ आइडिया आपको? जैसे मेरे पापा को हमेशा से ग्रीनरी का काफी शौक है। ओके, तो उनको यहाँ पे एक लिटिल फॉरेस्ट ही बनाना था लिटरली। ओके ओके, तो उस हिसाब से हमने नाम रखा लिटिल फॉरेस्ट स्टड फार्म। और अब हम डेवलप इसको इसी तरह से कर रहे हैं कि ग्रीनरी इतनी बढ़िया हो। तो भाई दोस्तों ये जो इनका फार्म हाउस है ग्रीनरी का, आपको पता ही है कि कितना ख्याल जो रखा गया है यहाँ पर। और इधर ये देखो, सबसे पहले आपके स्वागत में भाई, यहाँ पे देसी भाषा में अगर बोले तो फुहारे लगे हुए हैं। कोई भी बंदा अगर यहाँ आए तो नहा के जरूर जाए स्विमिंग पूल में भी। ये आइडिया कहाँ से आपको मिला, कुछ बताओगे इसके बारे में? हाँ, पापा और मम्मा दोनों क्रिएटिव बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन में। मम्मा भी पापा के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ओके ओके, तो क्रिएटिविटी और आइडियाज उनके वो यहाँ पे पूरा उनका ही डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन उनका ही किया हुआ है ना जी। ओके, और लगने में भी थोड़ा यूनिक लगता है ये। इसके अलावा भाई देखो पेड़ पौधों में फूल भी आ रहे हैं। ओ
और ये पूरा भाई गार्डन है घोड़ों के लिए। ये इस तरफ ये आउट हाउस है क्या है ये मकान में? जी ये हाउस का काम अभी चल रहा है, ओके ओके ये डेवलपिंग स्टेज में अभी। ठीक है, अभी काम चल ही रहा है मतलब, है ना। जी तो मैम फार्म तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, सर ने बहुत पैसा बहुत लगाया है सर आपने। विशाल जी बस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बैलगाड़ी भी रखी हुई है आपने यहाँ? जी इसके अलावा और क्या फार्म में आपके यूनिक क्या चीज है इनके अलावा? जैसे यहीं पीछे की तरफ हमने किचन गार्डन बनाया है। अच्छा मतलब हाँ ओके ओके, ओके। ओपन किचन गार्डन बनाया है ये और... इसके बगल में वाला ही है ना? जी उसके बैक साइड में हमारा पूरा खेती का है। अच्छा मतलब उस तरफ में घोड़ों के लिए जितना भी है सब यहीं उगता है। ओके ओके, मतलब जहाँ उगता है वही खिलाते हैं आप, बाहर का नहीं है ना? बाहर का कुछ। ठीक है चलिए एक बार आपके जो स्टेबल है वो और देख लेते हैं अपन, किस तरीके के बनाए हुए हैं आपके स्टेबल्स। बाकी गार्डन ये तो आपने बहुत जोरदार बनाया है सर, थैंक यू। इसमें शायद स्विमिंग पूल भी बनाया आपने? जी मतलब रेडी हो गया। इन्फिनिटी पूल का ये भी जो डिजाइन है ना, ये इस तरीके की जो डिजाइन है ये भी जोरदार बनाई हुई है सर। ये सारे सिंगल पत्थर की ये मेरे ख्याल से। ये विशाल जी आपका ही आइडिया है ये सारा? हाँ मेरा और वाइफ का। अच्छा बड़े क्रिएटिव आदमी हो आप यार, आपके मन में जो कुछ ना कुछ चलता रहता है घूमने। ये स्विमिंग पूल हो गया ना? जी स्टेबल। पेड़ पौधों का तो जोरदार ख्याल रखा साहब आपने। हाँ पापा और दादाजी दोनों को ही ग्रीनरी का बहुत शौक है। अच्छा ये देखो ये डिजाइन बहुत जोरदार है। अब इसको देखो दूर से तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पत्थर पड़ा है, पर ये पता नहीं है कि इसमें भी एक आकृति है। ये एक स्विंगिंग डाइनिंग है। अच्छा ये डाइनिंग टेबल है? डाइनिंग टेबल ही है ना ये? जी जी डाइनिंग टेबल है और उसके अराउंड स्विंग्स। अच्छा झूला झूला झूलते रहे आदमी। जी इधर पीछे भी स्टेबल ही आ गए ना अपने, स्टेबल और रिंग। स्टेबल और रिंग है। स्टेबल और रिंग है ना घोड़ों की। सामने की तरफ एक रेस्टरूम है, एक गेस्ट रूम है और एक किचन है। ये इधर सारे स्टेबल आ गए आपके ना? जी यहाँ से हमारे सारे स्टेबल्स। ये सब ठाण बनाई हुई है क्या? एक जी पानी की और एक चारे की वगैरह की है ना? जी पानी और चारा दोनों की।
स्टेबल भी आपने पक्के स्टेबल बना रखे हैं? हाँ, स्टेबल। चलिए एक स्टेबल भी अपन देख लेते हैं। आपने स्टेबल में भी यार ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा हुआ है, और ये पेड़ पौधे आपने लगाए हैं ना, ये और अच्छे हैं ग्रीनरी का पूरा। हाँ नहीं, ताकि ये शेड भी आती रहे। ज्यादा गर्म है नहीं हो ना, गर्मी के टाइम में ये पेड़ थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर और थोड़े और इनके क्लाइमेट वेंटिलेशन का भी पूरा अच्छा रहेगा, इनका क्लाइमेट अच्छा हाँ। रहेगा। टेबल में थोड़ा हाँ हाँ आ वेंटिलेशन जाओ, एक स्टेबल देख लेते हैं अपन। स्टेबल तो काफी लंबा छोटा है सारा ऑप्शन। पीछे वेंटिलेशन का भी रखा हुआ है। वेंटिलेशन, उसके वापस पीछे ग्रीनरी भी करती है। जो भी लेकर रखा है आपका, अच्छा ये वाले। हाँ हाँ इन बच्चों को मैं दर्द लगता हाँ 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 थोड़े टाइम नहीं रख सकता ताकि थोड़े दिन वो आपस में एक दूसरे को देख सही है सके। सही है। हाँ यार अचानक दूर नहीं हो माँ से बेटा। चलिए ठीक है सर, अच्छा फार्म आपने बनाया हुआ है घोड़ों के लिए, सुकून थैंक यू, भरी जिंदगी है। हाँ थैंक यू। बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ आने के बाद, जो हर कोई आदमी ऐसा समझता है कि भाई अच्छी जगह खड़े हैं अपन। ठीक है सर, थैंक यू।